और अब बारी है हमारे अगले लिल मास्टर अतुल के परफॉर्मेंस की। तो स्किपर जय, आप बताइए इस परफॉर्मेंस की कुछ खास बात। अतुल को आपने कंटेम्प्रेरी करते हुए देखा है एंड सभी लोग जानते हैं ही इज अ गुड इन स्टंट्स एंड आई थिंक उस स्टंट्स को लेकर मैंने सोचा क्यों ना उसे बी बॉइंग करने दो। तो ही विल बी डूइंग बी बॉइंग एंड थोड़ा हिप हॉप हाउस एंड एवरीथिंग इज देयर एंड आई होप कि जनता को और हमारे मास्टर्स को पसंद आए। बिल्कुल, आप भी ये होप करते हैं, मैं भी ये होप करता हूँ। सो लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जय के जटैंग पटैंग से अतुल। ऑल द बेस्ट अतुल। ऑल द बेस्ट अतुल भैया। ऑल द बेस्ट अतुल भैया। You have a message. उफ, ये लड़कियां। इतनी तालियां पहले ही बज चुकी हैं। कमाल का परफॉर्मेंस था। वैसे ये परफॉर्मेंस देख के किसी ना किसी को हार्ट अटैक जरूर आया होगा। मुझे पूरी कोशिश है कि भी हम दोनों को यहाँ से हॉस्पिटल भेजा जाए और फिर ये स्किपर जो चाहे वो करेंगे। और ये जो स्किपर हैं, पहले तो इनको मंच पे बुलाया जाए। जय, आ जाइए मंच पे। संदीप सर, खुशबू बोलेगी, खुशबू हमारी मेहमान है आज एक डांस की। खुशबू बताओ कैसा लगा आपको अतुल भैया का डांस? अतुल भैया आपने बहुत फाड़ा। थैंक यू खुशबू। मैं ये बोलूंगा कि अतुल यू आर लाइक अ स्मॉल मंकी, यहाँ से वहां बस गुलाटी मारते रहो, बट बहुत अच्छा तुमने मूवमेंट्स किया। आई लव्ड योर हाफ हेड स्पिन दैट यू डिड। मेरे को थोड़ा डर लगा क्योंकि आपका जैकेट जो था थोड़ा सर के पास था, थोड़ा आई होप वो ना आ जाए बीच में, but very nice and that flip from top to down was amazing. Atul, tumhara dance bahut strong hai. You are one of the strongest dancers we have in the group. Aur stylish hai tumhara dance, ekdam technique, body language, everything perfect. Agar ek kuch agar main tip dungi tumhe to Atul, you need to develop a personality. Okay, other than that, I think you're one of the strongest dancers in the group. No, you don't get a chance to talk. Okay. मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अतुल is a very shy guy. And the thing is, ये जब गाना मैंने उनको बोला था ये करना है, तो हम सर लड़कियां गाना, नहीं सर मुझे नहीं करना है। मगर जय, मैं यही पूछना चाह रहा था, एंड में जो जाके बहुत ईज के साथ बैठा है दोनों लड़कियों के बीच में, उनको नहीं हो रहा था उसे, वो बिल्कुल shy guy, उसमें पता नहीं है जय ऊपर ऊपर से शाय और अंदर से कुछ और होते हैं। मैं वही कहने वाला था संदीप सर, वैसे तो ये सीधे मुंह बात भी नहीं करता, इतना शर्माता है। था यू कुड मेक आउट कि ही इज नॉट शाय फ्रॉम एनी साइड।
बोल रहा हूँ स्टंट तो मैं ऐसा कर लूंगा सर, लेकिन लड़कियों के बाद में मत बिठाओ सर। वो था ना, दो तीन साल के बाद पूछना इसको। अच्छे अतुल से ही पूछ लेते हैं, जो मतलब इतने कंफर्ट के साथ जाके लड़कियों के साथ बैठा था। अतुल, ये कहां से मतलब एकदम से भावना जागी? ये जब मैं रिहर्सल करता था तब मेरे को लड़कियों के पास बैठने का चिड़चिड़ा सा लगता था, और अब करते वक्त तो मजा आ रहा है। देखा, शाय बॉय निकल रहा तुम्हारा बाहर। सर, मुझे आनी शुरू हो रही है। हाँ, तभी अतुल एक बार तालियां हो जाए अतुल के लिए। सबको नचाएंगे।